बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। ये हिंदी का पार्ट टू है, इसके पहले मैंने पार्ट वन डाल दिया है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट वन को देख लीजिए। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो आप इनको तैयार कर लीजिए जिनकी परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए ना। आपको रौद्र रस की परिभाषा बतानी है उदाहरण सहित। रस जितने हैं आप उनको तैयार कर लीजिए, रस से क्वेश्चन पक्का ही आएगा आपके पेपर पे, ठीक है। तो रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, फिर इसके आंसर मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसके आंसर आपको आसानी से मिल जाएं। अगला हमारा है कि विवश रस की परिभाषा लिखिए। विवश रस की परिभाषा आपको बतानी है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इसके बाद हमारा अगला आता है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका पक्का क्वेश्चन आएगा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर लिखिए। आगे बढ़ते हैं, काव्य गुण किसे कहते हैं उसके प्रकार लिखिए। काव्य गुण किसे कहते हैं उसके प्रकार बताना आपको, काव्य गुण किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसको आप जरूर तैयार करिएगा। अगर इसके आप आंसर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब हमारा अगला वीडियो आएगा तो उस पर इसके आंसर होंगे। तो सवैया छंद को उदाहरण सहित समझाइए, आपको सवैया छंद को समझाना है उदाहरण सहित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोला एवं उलाला छंद से मिलकर कौन सा यहाँ पे छंद बना है, ठीक है ना। आपको बताना है रोला और उलाला से मिलकर कौन सा छंद बना है, ठीक है। उदाहरण सहित समझाना है आपको छंद को भी जो बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कवित्त छंद का उदाहरण सहित लक्षण लिखिए ना। कवित्त छंद का उदाहरण सहित लक्षण लिखिए। दुर्मिल अथवा मतंगंध सवैया को समझाइए। छंद से आपके इस बार काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके पास टॉपिक कम है, क्योंकि इस बार आपका पेपर पे रस छंद, ठीक है, इस बार आप में अलंकार नहीं आएगा जैसा आपका टॉपिक दिया है, जो आपका सिलेबस आया है उसमें तो अभी अलंकार नहीं दिया हुआ है, तो उसमें रस दिया है आपका, छंद दिया है, तो यही क्वेश्चन आएंगे इस बार। फिर आपको क्या करना है, छंद की परिभाषा लिखिए और छंद के प्रकार भी बताइए ना। इतना आप कर लेंगे तो छंद से आपके नंबर ही बाहर नहीं जाएगा, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपके मेन परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका छमाही परीक्षा के साथ साथ मेन परीक्षा की तैयारी हो जाएगी अगर उनको तैयार कर लेते हैं तो। चलिए अब देखते हैं कुछ लुक्तियाँ जो हमारी हैं। इसे आपका है ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा तो आवश्यकता से मात्रा में कम वस्तु का होना, ठीक है ना। आवश्यकता से मात्रा में कम वस्तु का होना, ये भी आपका पूछा जाएगा पेपर पे आपके। फिर अगला हमारा है दूर के ढोल सुहावने, यानी दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। दूर के ढोल सुहावने तो मतलब क्या, जो दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है देखने पर। अगला हमारा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस तो बलवान ही अधिकार जताता है, जो बलवान होता है वही अधिकार जताता है। अगला है हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है ना। फिर आगे हमारा है एक अनार सौ बीमार, तो चीज कम और चाहने वाले अधिक, इसका क्या हो जाएगा बेटा, चीज कम और चाहने वाले अधिक। अगला हमारा है अतजल गगरी छलकत जाए, यानी योग्यता से अधिक दिखावा। इनको आप जितने ज़्यादा हो सके इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे हैं और आपके पेपर में जरूर आएंगे, तो इनको आपको तैयारी कर लेना है। फिर आता है खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना, ठीक है ना। खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। आगे चलते हैं, होम करते हाथ जलना, यानी अच्छा काम करते ही हानि होना, ठीक है ना। आप यहाँ जलना है, होम करते हाथ जलना ने अच्छा काम करते ही हानि होना। आगे चलते हैं, खून के घूंट पीना यानी अपमान सहकर चुप रहना, घी के दिए जलाना खूब खुशी मनाना, कलेजा जलना ईर्षा होना। इनको इसको तो आप जरूर तैयार कर लीजिए ना, इनको इन दोनों को। ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। आँखों का तारा होना अत्यधिक प्यारा होना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अगला है अंगूठा दिखाना धोखा देना,
फिर हमारा आता है दांत खट्टे करना, पराजित कर देना, ना इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर के दो तीन क्वेश्चन आएंगे तो आपका तीन चार नंबर तैयार हो जाएगा आसानी से, है ना। इनको तैयार कर लीजिए, छोटे छोटे हैं। आंखों पर पट्टी बांधना, अनजान बनना, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, अंधेर मचाना, खुला अन्याय करना। फिर आता है आपका अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना, यानी अपनी प्रशंसा खुद करना, खुद अपनी प्रशंसा करना। फिर आपका है सहोदर होना, सगे संबंधी होना, 9-2-11 होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भाग जाना। फिर आपका है नाक में दम करना, बहुत तंग करना, ठीक है। तो आप लोग को अगर इसका आंसर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों पे, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। बहुत जल्द इसका अगला पार्ट आएगा जिसमें इसके आंसर होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।